दोस्तों, जैसे हम जानते हैं कि दिवाली अब बहुत ही नजदीक है और हम सबको पता है कि दिवाली ये जो त्योहार है ये पूरे भारत में बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। दिवाली ये त्योहार जो है रोशनाई का त्योहार है, कलर्स का त्योहार है और ये त्योहार है बहुत सारी डिलीशियस मिठाइयों का। तो इसीलिए आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही अलग ऐसी रेसिपी दिखाने वाला हूँ जो बहुत ट्रेडिशनल भी है और थोड़ी सी अलग भी है, बहुत जल्दी बन जाती है एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को वो रेसिपी बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो हमारी आज की इस रेसिपी का नाम है मूंग दाल मोतीचूर लड्डू। मूंग दाल मोतीचूर लड्डू की खासियत यह है कि पहली बात तो वो मूंग दाल से बनते हैं, इसीलिए वो डाइजेस्ट होने के लिए बहुत ही आसान है, उससे हमें एसिडिटी वगैरह फील नहीं होगी और ये रेसिपी जो है बनने के लिए बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी बन जाती है। सो फ्रेंड्स, नाउ वी विल सी द इंग्रेडिएंट्स व्हिच वी आर गोइंग टू रिक्वायर फॉर आवर डिलीशियस मूंग दाल मोतीचूर लड्डू। मूंग दाल सोक्ड फॉर मिनिमम 4 hours to 6 hours, पिस्ताशियो नट्स, मेलन सीड्स, चॉप्ड आलमंड्स, कैशियो नट्स, कार्डमम एंड नटमेग पाउडर, घी और क्लेरिफाइड बटर, शुगर, रेजिन्स एंड फॉर डेकोरेशन सिल्वर पेपर। ऑयल फॉर डीप फ्राइंग। लड्डू बनाने के लिए 1 cup शुगर एंड 1 cup वाटर का यूज करके हमें 1 string कंसिस्टेंसी का सिरप बना लेना है। Keep stirring the mixture till sugar melts and boils and it forms into the 1 string consistency syrup. Now our syrup is almost ready. It should have reached to the 1 string consistency and now we will switch off the flame. तो दोस्तों, मूंग दाल जो हमने 4 से 6 घंटे के लिए भिगो के रखी थी उसे अब हमने ड्रेन कर लिया है और अब उसे हम मिक्सी में थिक फाइन पेस्ट में ग्राइंड कर लेंगे। टेक्सचर ऑफ द ग्राउंड मूंग दाल पेस्ट शुड बी थिक एंड फाइन। दोस्तों, मूंग दाल की जो हमने थिक फाइन पेस्ट बना ली थी उसे अब हम परफोरेटेड स्पून की मदद से छोटी छोटी बूंदी बना लेंगे। मूंग दाल पेस्ट की इस बूंदी को इस तरह से हमें लाइट गोल्डन ब्राउन कलर में डीप फ्राई कर लेना है और ठंडा होने के बाद सूजी के टेक्सचर की तरह मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है। लड्डूज में जो हम ड्राई फ्रूट्स डालने वाले हैं उसे हम पहले थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे जिसकी वजह से उसमें और ज्यादा फ्लेवर आ जाएगा। उसके लिए 1 tablespoon घी पैन में थोड़ा सा गर्म कर लीजिए। एड पिस्ताशियो नट्स, मेलन सीड्स, चॉप्ड आलमंड, चॉप्ड कैशू नट्स एंड रेजिन्स एंड रोस्टेड ऑन द लो फ्लेम फॉर 1 minute। घी में ड्राई फ्रूट्स को हमने 1 minute के लिए रोस्ट कर लिया है जिसकी वजह से उसका अरोमा भी अभी बहुत अच्छा आ रहा है एज वेल एज वो थोड़े से क्रिस्प भी बन चुके हैं। मूंग दाल की बूंदी जो हमने डीप फ्राई करके दी थी वो अब ठंडी और ज्यादा क्रिस्प हो चुकी है। इसे अब हम मिक्सर में डाल के सूजी के टेक्सचर की तरह ग्राइंड कर लेंगे। दोस्तों, शुगर सिरप जो हमने बनाया था उसे अभी हमें वापस गर्म करके देना है। सिरप जब थोड़ा गर्म हो जाएगा तब हमें उसमें मूंग दाल बूंदी का क्रश डालना है। टू गिव इट अ नाइस अरोमा सम कार्डमम एंड नटमेग पाउडर, 1/2 teaspoon घी एंड रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स। अब हम इस मिक्सचर को मीडियम फ्लेम पे 2 minute के लिए स्टर कर लेंगे जब तक हमारा मूंग दाल बूंदी का क्रश शुगर सिरप को एब्जॉर्ब न कर ले। मिक्सचर को
10 मिनट के लिए हमें कवर करके रखना है. सो ड्यूरिंग दोज 10 मिनट्स एंटायर बूंदी क्रश विल प्रॉपरली एब्जॉर्ब द शुगर सिरप एंड इट विल वेरी इजी टू बाइंड द लड्डू नाइसली. Now warm and moist mixture we will form into laddus. लड्डू को चांदी के वर्क से डेकोरेट करने के लिए उसे बहुत ही जेंटली एक फ्लैट सरफेस पे निकाल लीजिए. टेकिंग केयर दैट सच ए थिन सिल्वर लीफ should not get disturbed, and then slowly you can keep your laddu on that silver paper. First keep one laddu, then another one, and simply roll it like this. So my dear friends, Moong Dal Motichur Laddus are ready to serve. Enjoy these laddus at Diwali at home. और अगर आप लोगों को ये लड्डू की रेसिपी और टेस्ट पसंद आ जाए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए. थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली एंड न्यू प्रॉस्परस ईयर. गुड डे.